700 ग्राम पालक, इसमें 200 ग्राम पनीर डालेंगे, बॉइल द बटर, अब हम पालक उबालेंगे। हमारी पालक उबल चुकी है, अब हम इसे पानी से निकालेंगे और पनीर को छोटे छोटे हिस्सों में चॉप कर लेंगे। ये हमारी अदरक लहसुन का पेस्ट और 5 से 6 हरी मिर्च, ये हमारी 2 चॉप प्याज, होगी हमारे 2 छोटे टमाटर, ये हमारे खड़े मसाले जो आपके घर में मिल जाए वो हम डालते हैं खड़े मसाले। 2 टेबल स्पून ऑयल, इसमें डालेंगे ज़ीरा, हम जाएंगे हमारे खड़े मसाले, और हमारी प्याज जाएगी, इसे हल्का गोल्डन करके फिर हम अदरक लहसुन का पेस्ट करेंगे। अब हम इसे मिक्सी में दर दर पीस लेंगे। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, मैं इसमें अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट डालेंगे। फ्रेंड्स, हमारे अदरक लहसुन भुन चुके हैं, अब हम टमाटर डालेंगे इसमें, 2 छोटे चॉप किए हुए टमाटर। बाउल में थोड़ा पानी लें और अपने मसाले डालें। ये हमारा 1 चम्मच के करीब नमक, आधी चम्मच हमारी हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच बेसन, ये ऑप्शनल है। अब हम अपने मसाले भूनेंगे अच्छे से, थोड़ा सा किचन किंग MBH का स्प्रिंकल करेंगे 1/2 चम्मच के करीब। कुकिंग प्रोसेस फास्ट करने के लिए हल्का सा पानी डालेंगे हम। अब हम इसमें अपना पालक डालेंगे चॉप किया हुआ, पालक को अच्छे से पकाएंगे। फ्रेंड्स, अब हमारा पालक पक चुका है, अब हम इसमें पनीर के क्यूब्स डालेंगे अपने। कुछ लोग इसे फ्राई करके भी डालते हैं, लेकिन पनीर में, पालक वाले पनीर में ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं सबको। एक गुड़ पानी डालेंगे इसमें और इसे 10 मिनट और पकाएंगे हम। और इसमें हमने हल्की सी कस्तूरी मेथी भी डाल दी है, ऑप्शनल, अगर आपको उसका टेस्ट पसंद है तो डाल दें। और अभी इसमें हमने मलाई भी डालेंगे। फ्रेंड्स, अब हमारा पालक पनीर बनके रेडी हो गया, अब हम इसे मलाई से गार्निशिंग करेंगे इसकी। आप इसे मक्खन का यूज़ भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। फ्रेंड्स, हमारा पनीर बनके रेडी हो गया है, होप यू लाइक इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।